आज हम बनाएंगे टेस्टी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये चॉकलेट मार्बल केक। तो इसको आप टी टाइम में इंजॉय कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होता है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है कि आप एक मरतबा इसे बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। तो देखते हैं इसे किस तरह से बनाना है। बहुत ही आसान तरीके से हम इसे बिना ओवन के बनाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस बेल की नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें। इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले 2 अदद अंडे लेना है। अंडा जो है तो वो रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। तो बेकिंग की जितनी भी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं उसको रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। फिर हम इसमें 1 टीस्पून डालेंगे वनीला एसेंस। फिर इसको बीट करेंगे जब तक कि ये वॉल्यूम में डबल नहीं हो जाता। तो इसको हाई स्पीड में बीट करेंगे। और इसमें 3/4 कप पिसी हुई शक्कर डालना है। तो शक्कर को भी थोड़ा थोड़ा इस तरह से डालते जाएंगे और इसको बीट करते जाएंगे लाइट और फ्लफ़ी होने तक। तो ये देखिए, पूरी शक्कर एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसको बीट करते जाएंगे। और बस ये 3 से 4 मिनट में अच्छे से बीट हो जाएगा अंडा। तो ये देखिए, बहुत ही लाइट और फ्लफ़ी हो गया है, ये अच्छे से बीट हो गया है। तो इसको हम साइड में रखेंगे और केक टिन लेंगे, उसको ऑयल से अच्छे से सब तरफ ब्रश करेंगे। तो अगर आप चाहें तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं, लेकिन बिना बटर पेपर के भी केक बहुत ही आसानी से डीमोल्ड हो जाता है। तो इसके लिए सब तरफ ऑयल अच्छे से ब्रश करना है। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा डाल के मैदे को अच्छे से डस्ट करना है सब तरफ। तो ऐसा करने से बटर पेपर की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये देखिए, इस तरह से फैला लेना है मैदे को सब तरफ। तो मैदे की पूरी कोटिंग हो जाना चाहिए केक टिन पे। फिर हम इसको साइड में रखेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप ऑयल। तो कोई सा भी रिफाइंड ऑयल लेना है 1/2 कप। और भी तेज़ स्मेल वाला तेल का इस्तेमाल नहीं करना है केक में, नहीं तो केक में बहुत स्ट्रॉन्ग सी स्मेल आती है जो कि अच्छी नहीं लगती है। तो इसके लिए 1/2 कप ऑयल डालने के बाद फिर से इसको अच्छे से बीट करेंगे। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए ऑयल सब तरफ अच्छे से, फिर हम ये इलेक्ट्रिक बीटर को हटा देंगे। और फिर से हम इसमें ऐड करेंगे, इसमें हमने ऐड करना है 1 कप ऑल पर्पज़ फ्लार मैदा। तो ये देखिए, 1 कप पूरा भर के लेना है। और मैदा देखिए डालते हुए रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो बस मैदा डालना है और इसको थोड़ा थोड़ा सा करके बीट करना है। और फिर स्पैचुला, फिर ये बीटर को हम हटाएंगे, पूरा मैदा एक साथ डाल देना है और स्पैचुला से इसे कट एंड फोल्ड करके हम मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए, जब सब मैदा अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें, तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के है बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर डालने के बाद हम इसके ऊपर 1/4 कप डालेंगे दूध। तो ये रूम टेम्परेचर का दूध है। दूध और बेकिंग पाउडर को अच्छे से मिक्स करना है और हल्के हल्के हाथों से मिक्स करना है। बहुत तेज़ इसे मिक्स नहीं करेंगे, ओवर मिक्स भी नहीं करेंगे, नहीं तो बैटर हमारा अच्छे से फूलेगा नहीं। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है जब तक कि सब कुछ आपस में अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देखिए, सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है। तो ये बैटर को हम ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बैटर है, इसी कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। तो बैटर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो चॉकलेट फ्लेवर देने के लिए यहाँ पर देखिए, 1/2 बैटर इस बोल में हम ट्रांसफ़र कर देंगे और 1/2 को इसी में रहने देंगे। तो ये देखिए, फिर इसमें हम 2 टेबल स्पून भर के डालेंगे कोको पाउडर और 1 टेबल स्पून दूध डालना है। और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये बैटर थिक ना होने पाए और परफेक्ट कंसिस्टेंसी का रहे। तो इसको जब तक मिक्स करेंगे जब तक आपस में कोको पाउडर अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता, फिर हम इसको साइड में रखेंगे और केक टिन लेंगे। तो पहले चॉकलेट वाला बैटर डालेंगे थोड़ा सा, और फिर थोड़ा सा हम डालेंगे वनीला वाला बैटर। तो इस तरह से दोनों बैटर को, पहले ये फिर ये, इस तरह से दोनों बैटर डालते जाएंगे जब तक कि पूरा ख़त्म नहीं हो जाता बैटर। तो ये देखिए इस तरह से, जब भी इसमें मार्बल जैसी इसमें आप देख सकते हैं डिज़ाइन आती है बेक होने के बाद। तो इस तरह से हमने सारे बैटर को डाल देना है केक टिन में। और ये जब पूरा बैटर इसमें चला जाए तो फिर इसको
टूथपिक से इसके ऊपर आप जैसी भी चाहे डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मैं सिंपल सी इस पर डिज़ाइन बनाऊंगी, लेकिन अगर आपको और भी तरीके के डिज़ाइन बनाना है तो जैसे भी आप बनाना चाहे बना सकते हैं। इसको बस पहले टैप कर लेना है, फिर इस तरह से इसमें डिज़ाइन बना लेना है ताकि ये और प्रेजेंटेबल दिखने लगे। तो ये बस तैयार है, प्री हीट कर लेना है पतीले को 10 मिनट पहले, और प्री हीटेड पतीले में हम अपना केक टिन रखेंगे। और इसको 25 से 30 मिनट तो बिल्कुल भी टच नहीं करना है, फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और लो फ्लेम पे 25 से 30 मिनट तक बेक करेंगे जब तक के टूथपिक हमारी क्लीन नहीं आती। तो 25 से 30 मिनट हो गया है, यहाँ पर हम चेक कर लेंगे केक को। तो टूथपिक डाल के हमने चेक करना है, तो देखने से ही आपको अंदाज़ा हो रहा है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा मॉइस्ट ये केक बना था। तो ये देखिए बिल्कुल क्लीन आ रही है, इसका मतलब केक हमारा अच्छे से बेक हो गया है। इसको हम निकाल लेंगे। तो केक को पहले टीन से डायरेक्ट डीमोल्ड नहीं करना है, इसको रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। जब केक हमारा बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो इसकी साइड को हम नाइफ़ से हटा लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और फिर जब प्लेट लगा के हम इसे पलटेंगे तो ये बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगा। फिर इसको आप जैसा भी चाहें कट कर सकते हैं, जितने बड़े शेप में चाहें। तो ये देखिए मैं इसे इस तरह से, जैसे टी टाइम वाला चॉकलेट केक वगैरह जिस तरह से कट किया जाता है, मैं इसे उसी तरह से कट करूँगी। और ये बहुत ज़्यादा मॉइस्ट था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। मेरे कट करने से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट ये हमारा केक बना था और बिल्कुल परफेक्ट बेक हुआ था। तो उम्मीद है कि चॉकलेट मार्बल केक की, टी टाइम केक की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक मतलब ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के अपना बहुत सा ख्याल रखिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चॉकलेट ब्राउनी। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। बस आपने मेज़रमेंट का परफेक्ट ध्यान रखना है तो आपकी ब्राउनी भी बहुत ही फजी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 1/4 कप लेंगे रिफाइंड ऑयल, कोई सा भी तेल लेना है, बस उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ स्मेल ना हो। और आधा टी स्पून डालेंगे वनीला एसेंस। उसके बाद हम इसमें 2 पिंच नमक डालेंगे। और अगर आपको ब्राउनी बिना ओवन के आप इसे बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा यमी बनेगी। बिल्कुल भी आपने ओवन के बिना भी आप बहुत ही अच्छी फजी ब्राउनी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे शक्कर। तो यहाँ पर आधी शक्कर लेना है वाइट वाली और आधी ब्राउन शुगर को मिला के पीस लेना है, पाउडर बना लेना है। और आधा कप लेंगे और 2 टेबल स्पून और लेंगे शक्कर। तो शक्कर लेने के बाद इसको हम शक्कर डालने के बाद हम इसको अच्छे से थोड़ा सा मिक्स करेंगे, ये देखिए इस तरह से। जब ये सब चीज़ आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसमें अंडा डालेंगे। तो 2 अंडा ये ब्राउनी में 2 अंडे का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बस इस तरह से कर लेना है और दोनों अंडा एक साथ डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक के सब कुछ अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। तो ये देखिए ये सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब इसमें कुछ हम ड्राई इंग्रेडिएंट डालेंगे। तो आधा कप लेना है मैदा, आधा कप और 1 टेबल स्पून मैदा लेंगे। तो मैंने सब कुछ पहले से ही छाना हुआ है तो इसके लिए मैं छान कर इस्तेमाल नहीं करूँगी। अगर आप नहीं छाने हैं तो छान कर इस्तेमाल करेंगे। आधा कप और 1 टेबल स्पून मैदा। और फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून है बेकिंग पाउडर। अगर आपको केक टाइप की ब्राउनी बनाना है तो आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर डालें, लेकिन अगर आपको फजी ब्राउनी पसंद है तो
1/4 टीस्पून डालें और 3 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे कोको पाउडर, कोई सी भी अच्छी ब्रांड का कोको पाउडर का इस्तेमाल करना है। और सब जब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट डाल देंगे तो कोको पाउडर डाल देंगे हम, और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि ये सब कुछ अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। और इसको एक ही साइड में मिक्स करना है और बहुत ज़्यादा तेज़ मिक्स नहीं करना है। मैंने यहाँ पर स्पीड बहुत ज़्यादा करी है वीडियो की, तो इसके लिए आपको लग रहा होगा कि बहुत स्पीड है, लेकिन हल्के हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है। फिर यहाँ पर केक टिन को स्क्वायर शेप का केक टिन लेना है, उसमें बटर पेपर लगा के ऑयल से ग्रीस करना है और उसके बाद पूरा बैटर हम इसके ऊपर पोर कर देंगे। और फिर वहाँ पर हम पतीली को गर्म होने के लिए रखे 10 मिनट पहले प्री हीटेड पतीली में रखना है। इसको इस तरह से टैप कर लेंगे ताकि इसमें एयर बबल ना हो। और ये देखिए पतीली बहुत ही गर्म है, तो इसको बहुत सावधानी से रखना है आपने केक टिन। और 15 मिनट बाद एक मरतबा चेक करना है, और अगर नहीं हुई हो तो 20 मिनट बाद आप चेक करें। तो 20 मिनट हो चुके हैं, ज़बरदस्ती ब्राउनी हमारी बनकर तैयार है। तो इसको बहुत ज़्यादा ओवर बेक ना करें, नहीं तो ब्राउनी हार्ड हो जाती है। तो इसके लिए इस बात का आपने ध्यान रखना है कि ओवर बेक नहीं करना है। फिर इसको रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए जब ही हम इसे डीमोल्ड करेंगे। गरम गरम ब्राउनी या केक कुछ भी आप गरम गरम कभी भी डीमोल्ड ना करें, अगर आप गरम गरम मोल्ड से बाहर निकालेंगे तो वो टूट जाएगी। तो ये देखिए बस बहुत ही आसानी से ये बटर पेपर भी निकल जाएगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा फजी ब्राउनी बनकर तैयार है, बहुत सॉफ्ट है और माउथ मेल्टिंग ब्राउनी है। तो उम्मीद है ब्राउनी बनाने की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ, जब तक कि अपना बहुत सा ख्याल रखिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और माउथ मेल्टिंग चॉकलेट ट्रफल केक, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है और आप एक बार बनाएंगे तो इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से इसे बनाना है। इसे बनाने के लिए 3 अंडा लेना है रूम टेम्परेचर का, और उसे इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करेंगे। तो इसे जब लाइट और फ्लफ़ी होने तक बीट करना है, लेकिन इसमें 3/4 कप शक्कर डालना है। तो शक्कर यहाँ पर 3/4 कप लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एक साथ पूरी शक्कर नहीं ऐड करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाना है और इसे जब तक बीट करेंगे जब तक कि ये क्वांटिटी में डबल नहीं हो जाता और बहुत ही लाइट और फ्लफ़ी नहीं हो जाता। तो आप देख सकते हैं कितना लाइट और फ्लफ़ी हो गया। तो 1 टीस्पून डालेंगे वनीला एसेंस और फिर से इसे बीट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये अच्छे से मिक्स हो गया वनीला एसेंस। फिर हम इसमें डालेंगे 3 टेबल स्पून है दूध और 3 टेबल स्पून है तेल। कोई सा भी रिफाइंड ऑयल लेना है जिसमें तेज़ स्मेल ना हो, तो ये 1 टेबल स्पून से नाप के डालना है। तो ये देखिए 3 टेबल स्पून दूध है और 3 टेबल स्पून है तेल। तेल कोई भी मूँगफली या सरसों का तेल नहीं लेना है, कोई सा भी रिफाइंड ऑयल लेना है जिसमें तेज़ स्मेल नहीं हो, नहीं तो केक में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है तो बिल्कुल वो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ तेल भी और दूध डालने के बाद फिर से इसे बीट करना है जब तक कि तेल दूध और सब कुछ अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। यहाँ पर देखिए सब कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है। तो फिर हम इसे हटाएंगे और यहाँ पर छन्नी लगाएंगे। तो छन्नी में हम डालेंगे 3/4 कप मैदा ऑल पर्पज़ फ्लार और 1/4 कप हम इसमें डालेंगे कोको पाउडर और 1.5 टीस्पून हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं है ये, बेकिंग पाउडर है। सब कुछ छान लेंगे कि इसमें लम्स बिल्कुल ना हो। और फिर इसको बहुत ही हल्के हल्के हाथों से बैटर को मिक्स करना है, बहुत स्पीड में नहीं मिक्स करना है, नहीं तो जिस इसमें जो एयर है वो निकल जाएगी और केक फ्लफ़ी नहीं बनेगा। बस हल्के हल्के हाथों से इसे कट एंड फोल्ड करेंगे और इसको ड्राई इंग्रेडिएंट अच्छे से मिक्स होने तक मिला लेंगे। और फिर यहाँ पर हम लेंगे, ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया है, केक टिन लेंगे, ये कप केक वाला केक टिन लेंगे। तो आप इसे कटोरी में भी बना सकते हैं। फिर इसके ऊपर ये कागज़ रखेंगे, ये देखिए इस तरह से। और फिर इसके ऊपर हम बैटर डालेंगे, तो बैटर आधा डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। ये देखिए किसी भी चम्मच से इसे डालना है
और आधा ही रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि ये फूल जब ये बेक होगा तो ये बहुत ऊपर तक आएगा और बाहर जाने लगेगा, तो इसके लिए बस आधा आधा ही भरना है। तो ये देखिए यहाँ पर हम सारे इस तरह से फिल कर लेंगे और इसको टिन को हम एक दो मरतबा टैप करेंगे ताकि इसमें जो भी एयर हो निकल जाए। और इसको हम पतीले में बेक करेंगे, तो पतीले को प्री हीट कर लेंगे 10 मिनट पहले मीडियम फ्लेम पे, और प्री हीटेड पतीले में बहुत ही सावधानी से इसे रखना है इसमें, और फिर इसको कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए कुक करना है। 20 मिनट बाद एक मरतबा चेक कर ले, अगर इस टूथपिक क्लीन आए तो फिर इसको बंद कर दें। फिर यहाँ पर 100 ग्राम हमने लेना है डार्क कंपाउंड चॉकलेट, उसको मेल्ट कर लेना है। ये देखिए, या तो आप माइक्रोवेव में कर लें या फिर पानी बॉईल करके डबल बॉयलर में इसे मेल्ट कर लें। जब ये चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाए तो हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून अमूल की फ़्रेश क्रीम ऐड करेंगे। अगर फ्रेश क्रीम ना हो तो दूध के ऊपर जमी हुई मलाई भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फ्रेश क्रीम ऐड करने के बाद फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें, और फिर ये चॉकलेट को हम फ्रीज में सेट होने के लिए रखेंगे। फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रीज में 10 से 15 मिनट के लिए रखना है। तो जब ये सेट होगी, तो जब तक हम केक को देख लेते हैं, 20 मिनट हो चुके हैं, 25 मिनट हो चुके हैं, तो टूथपिक क्लीन आ रही है। मैं देखिए आपको चेक करके बताती हूँ। ये देखिए बिल्कुल क्लीन है, इसका मतलब केक हमारा अच्छे से बेक हो गया। इसे हम निकाल लेंगे, इसको हम निकालेंगे और रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। गरम गरम में आइसिंग नहीं करना है, नहीं तो केक वो जो आइसिंग होगी वो पिघल जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए इसे छोड़ देना है और रूम टेम्परेचर पे आने देना है। आप देख सकते हैं बहुत ही फ्लफ़ी हमारा केक बनकर तैयार है। और इस तरह से हम सारे प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। और जब ये ठंडा देखिए अच्छे से हो गया है, ये देखिए ठंडा हो गया है, और आइसिंग को फ्रीज में रखे हुए भी देखिए 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए आइसिंग सेट हो गई है, इसको बस चम्मच से इस तरह से मिक्स करना है जब तक कि ये लाइट और फ्लफ़ी नहीं हो जाता। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का स्मूथ सा होना चाहिए। इसको बहुत ज़्यादा फेंटना है कि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना हो। और फिर इसे नोज़ल लगाएंगे, कोई भी नोज़ल जैसे आप डेकोरेट करना चाहते हो। ये डेकोरेटिंग बिल्कुल आपकी अपनी चॉइस है, आप इसे जैसे चाहे डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक नॉर्मल सा नोज़ल लगाऊंगी और पाइपिंग बैग में पूरी चॉकलेट को भरने के बाद ये देखिए फिर इसे इस तरह से मैं डेकोरेट करूँगी। फिर ये देखिए जैसे भी आप इसे डेकोरेट करना चाहें कर सकते हैं। मैं इसे बस नॉर्मल सा कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इसको डेकोरेट करने नहीं आता है। जैसा भी आता है मैं इसे इस तरह से करके दिखा रही हूँ आपको। लेकिन ये केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, तो ज़रूर से ट्राई करिएगा इस केक की रेसिपी को। आपको और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। मेरे बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था। बस इस पर थोड़ा सा इसको और ज़्यादा अच्छा दिखने के लिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ये स्प्रिंकल कर दूंगी। इससे ज़्यादा देखिए आपको ये देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये केक हमारा तैयार है, इसको बस 10 मिनट के लिए फ्रीज में रखे सेट होने के लिए, उसके बाद इसे सर्व करें। तो ज़बरदस्त हमारा केक बनकर तैयार हुआ है, कपकेक चॉकलेट ट्रफल कपकेक। उम्मीद करती हूँ कि कपकेक की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बेस्ट वनीला स्पॉन्ज केक। आप देख सकते हैं, आपको मेरे कट करने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कितना ज़्यादा ये सॉफ़्ट और स्पॉन्जी बनता है। तो ये सबसे बेस्ट केक है वनीला। आप इससे इतना ज़्यादा ये स्पॉन्जी बना है कि आप एक बार बनाएंगे तो इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। और मेज़रमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह से बनाना है। और इसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले 2 अंडा लेना है। अंडा रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, उसमें आधा कप हम शक्कर डालेंगे, नॉर्मल शक्कर, और इसको बीट करेंगे जब तक कि ये फ्लफ़ी और वॉल्यूम में डबल नहीं हो जाता। तो आप देखेंगे थोड़ी देर में ही, बस 4 से 5 मिनट में ये फ्लफ़ी और लाइट सा हो जाएगा। तो बस इसमें हम 1 टीस्पून वनीला एसेंस का डालेंगे। 1 टीस्पून डालना है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये देखिए इस तरह से इसको भी थोड़ा सा बीट कर लेना है। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम बोल के ऊपर एक छन्नी रखेंगे, उसमें 1/2 कप डालेंगे मैदा, ऑल पर्पज़ फ्लार,
और 1 टीस्पून डालेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं है ये, बेकिंग पाउडर है। और इसको डालने के बाद हम इसे छान लेंगे। और छानने के बाद इसे एक मतलब फिर से इसे अच्छे से मिक्स करना है। अभी हमने ये बीटर मशीन को चालू नहीं करना है, बस ऐसे ही इसे मिक्स करेंगे, नहीं तो मैदा जो है वो ऊपर उड़ने लगेगा। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून रूम टेम्परेचर का दूध है बॉईल करके ठंडा किया हुआ, और 2 टेबल स्पून ही हम इसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल। कोई सा भी रिफाइंड ऑयल डालना है जिसमें तेज़ स्मेल ना हो। और फिर से हमें बिल्कुल लो स्पीड पे बीट करेंगे जब तक के सारे इंग्रेडिएंट आपस में अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते। तो ये देखिए इस तरह से, और ये जब अच्छे से मिक्स हो जाए, बस ओवर मिक्स नहीं करना है, बस ये अच्छे से मिक्स हो गया तो ये मशीन को अब हम हटा लेंगे और इस स्पैचुला से जो साइड में बैटर लगा हुआ है उसको अच्छे से मिक्स करते हुए कट एंड फोल्ड करेंगे। और ये बहुत ही अच्छे से जब मिक्स हो जाए तो केक टिन में हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे। तो केक टिन में पहले से ही बटर पेपर कट करके रखना है साइज़ का, और फिर सब जगह ऑयल अच्छे से ग्रीस करेंगे। ऐसा करने से केक आसानी से बाहर आ जाती है हमारी, तो बस इसको ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है। फिर फटाफट से हम इसके ऊपर पूरा बैटर को ट्रांसफ़र करेंगे। ये स्टेप बहुत जल्दी जल्दी करना होता है, नहीं तो केक अच्छे से बेक नहीं होती है। तो बस ये करने के बाद हम इसे 2 से 3 मरतबा अच्छे से टैप करेंगे, जो भी इसमें एयर बबल हो वो निकल जाए। और साइड में हम कढ़ाई को गर्म कर लेंगे, 10 मिनट पहले प्री हीट करना है। तो 10 मिनट पहले प्री हीट करना है, फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारा केक टिन। इसको बहुत ही आराम से रखना है, फिर इसको कवर करके 25 से 30 मिनट के लिए बेक करेंगे। और 25 से 30 मिनट हो चुके हैं, टूथपिक लेंगे और उसको सेंटर में बिल्कुल चेक करेंगे। जब अगर हमारी टूथपिक क्लीन आ रही है इसका मतलब केक हमारा अच्छे से बेक हो गया है। फिर केक को हम निकालेंगे इससे बाहर कढ़ाई से और इसको रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। केक जब रूम टेम्परेचर पर आए जब ही हम इसकी साइड को लूज़ करेंगे, नहीं तो अगर केक गर्म होगा, गर्म केक को आप डीमोल्ड करेंगे तो केक टूट जाएगी। तो यहाँ पर केक बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, तो बस इसके ऊपर हम लगाएंगे एक प्लेट और इसको जब पलटेंगे तो ये बहुत ही आसानी से हमारी केक बाहर आ जाएगी। और आप देख सकते हैं कि सुपर डुपर बहुत ही सुपर स्पॉन्जी केक हमारा बनके तैयार है। अगर आप इससे कोई सा भी वनीला केक या फिर जो भी केक आप इससे बनाना चाहें, तो ये 1/2 किलोग्राम का बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट से ये केक बनकर तैयार होता है। आप ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करिए। मैं कट करके भी दिखा देती हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट है और कितना ज़्यादा स्पॉन्जी है। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बना था ये केक। अगर केक की स्पॉन्ज केक की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ, जब तक कि अपना बहुत सा ख्याल रखिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।